नमस्कार, घमासान.com में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भरत प्रजापत। देश में बढ़ रही अब रेप की घटनाओं को लेकर आज हमारे बीच मौजूद है सामाजिक कार्यकर्ता भारती मांडोले, जिनसे हम देश में बढ़ रही रेप की घटनाओं को लेकर चर्चा करेंगे। मैम, स्वागत है आपका। मैम, आप रेप की बढ़ती घटनाओं को लेकर एक कार्यक्रम चला रहे हैं, फेमिनिज्म इन इंडिया, इसका क्या उद्देश्य है? जिस तरह से बढ़ते अपराध हैं और जिस तरह से बच्चों के साथ या महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, उसी कॉन्सेप्ट को लेके हम लोगों ने फेमिनिज्म इन इंडिया स्टार्ट किया है। कॉन्सेप्ट जिसमें सारी लेडीज, सारी महिलाएं एकत्रित होके जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ में हम एक मुहिम चलाएंगे, जिसमें अवेयरनेस मेन इसका मुद्दा है और इसके साथ में ही हमें और क्या चेंजेस लाने चाहिए सोसाइटी में, किस तरह से बच्चों को बचाने के लिए अवेयरनेस, चाहे वो फिर प्रशासन हो या फिर पुलिस विभाग हो या फिर हम आम जन हो, इन सबको मिलके इस चीज़ को कैसे रोका जाए, यही कॉन्सेप्ट है फेमिनिज्म इन इंडिया का। और इसी के तहत हम लोग हर बार नए नए वेरियस इश्यूज जो होते हैं, जो महिलाओं से रिलेटेड होते हैं, जो बहुत सफ़र करती हैं अपने लाइफ में हो या फिर है तो राह चलते हो या फिर आसपास के एटमॉस्फेयर से हो, तो उसी से रिगार्डिंग हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है और उम्मीद करते हैं कि इससे बहुत ज़्यादा लोग जुड़ेंगे। और 28 तारीख को ये इवेंट अमर विलास होटल में 3:30 अराउंड स्टार्ट होगा और जो ओपन एंट्रीज है इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो सभी महिलाएं वहाँ पे आए और अपना योगदान और अपना सहयोग दे ताकि हम अपनी बच्चियों को हमारे आसपास में एक अच्छा माहौल बने और उनको एक सुरक्षित भविष्य मिले। और इसी का आगाज हम इस इवेंट को करके कर रहे हैं। मैम, प्रदेश और देश में लगातार बच्चों के साथ रेप की घटनाएं बढ़ी है और इसमें ज्यादा बहुत इजाफा हुआ है, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, वाकई में ये बहुत ही दुखदाई है कि हमारा जैसा देश है वहाँ पे इतना संस्कृति और देवियों को इतना पूजा जाता है, लेकिन फिर भी इस तरह की वारदातें होती है, बहुत ही शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं। लेकिन हमें कहीं ना कहीं इससे पता चलता है कि किस तरह की मेंटेलिटी इतनी घटिया लोगों की है कि इस तरह से बच्चों के साथ इस तरह की हरकतें होती हैं। तो मुझे लगता है इसका माइनस पॉइंट मेन जो है वो है अवेयरनेस की कमी। बच्चियां बाहर सो रही हैं तो कोई उठा के लेके जा रहा है, तो इस तरह की अवेयरनेस लाना ज़रूरी है कि प्रॉपर उनको शेल्टर हो। जहाँ अभी अपने इंदौर में 4 माह की बच्ची के साथ में हुआ था, वो भी यही इसी तरीके का केस था। मेरे ख्याल से देखिए, कैंडल मार्च करने से या सड़क पर उतरने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि निर्भया हत्याकांड के बाद बहुत आक्रोश हुआ था, बहुत सारे लोग सड़कों पे उतरे थे और बहुत सारा इसका विरोध किया गया था, लेकिन फिर भी जहाँ तक है उसके बाद जितने भी रेपिस्ट है उनको अभी तक फांसी हुई नहीं है। जैसे निर्भया कांड जो हुआ था उनको तो हो चुकी है, लेकिन उसके बाद जितनी भी फांसी की सजाएं दी गई थी अभी तक हुई नहीं है, क्योंकि डर नहीं है। जब तक डर नहीं है रहेगा लोगों में, तब तक शायद से इसको रोक पाना बहुत मुश्किल है। इसलिए यही अपील की जा रही है इस इवेंट के साथ में कि जागरूकता आए और सरकार जितने भी हैं उसमें सख्त कानून व्यवस्था लेके आए और जो भी रेपिस्ट जिनको फांसी की सजा दी गई है उनको जल्द से जल्द अमल किया जाए। जैसा कि हमें सामाजिक कार्यकर्ता भारती मांडोले ने बताया कि देश में बढ़ रही रेप की घटनाएं चिंता का विषय, इसमें सख्त कानून लागू किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि फेमिनिज्म इन इंडिया का प्रोग्राम 28 जून को होटल अमर विलास में होना है। इसी के चलते हम कई लोगों से बात करेंगे, रेप के विषय में जानकारी लेंगे। आप बने रहिए घमासान.com के साथ। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।